देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन होने के बाद शोक संतप्त शंकर नगर स्थित शक्ति नगर के लोगों ने आज हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने यहां शांति सभा आयोजित कर पहले अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर श्री वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में सामाजिक और आर्थिक तंगी को लेकर भी लंबे समय से काम किया था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। इस दौरान देश हित को लेकर लंबे समय से काम किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास को लेकर काफी मंथन किया और गांव-गांव में जाकर जहां सड़कें नहीं है वहां सड़कें बनवाई। साथ ही अटल आवास योजना के नाम से आम जनता को मकान बनाकर छत दी। वे आजाद शत्रु के नाम से पहचाने जाने वाले नेता थे। आरडीए अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह से ही शंकर नगर के रहवासियों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को लेकर हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की और रघुपति राघव राजा राम भजन गाया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता को खो दिया है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता क्योंकि वे भाजपा के प्रेरणा स्रोत थे। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी। देश की गरीब जनता के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से देश के गांवों को शहर से जोड़ने का काम किया। अटल जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी का कृतित्व, अटल जी के कार्य, अटल जी की बेदाग छवि, अटल जी का वो रूप जो अजात शत्रु के रूप में रहा है, निश्चित रूप से एक ऐसा राजनेता हमने जो खोया है जिसकी पूर्ति शायद आने वाले समय में न हो। राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति, इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी रिक्तता न केवल बीजेपी में बल्कि देश की राजनीति में एक रिक्तता आई है। इस रिक्तता की पूर्ति शायद न हो पाए। अटल जी के नहीं रहने से आज पूरा देश गमगीन है। देश और दुनिया से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और हर एक व्यक्ति जो अटल जी से जुड़ा है, अटल जी के काम को जानता है, अटल जी के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है, वो अपने अपने तरीके से अटल जी को श्रद्धांजलि देना चाहता है। आज इस रायपुर शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड के एक सामान्य से एक जो बस्ती हमारी है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक गरीब बस्ती के लोगों की भी भावनाएं अटल जी से किस तरीके से जुड़ी है, ये शायद आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और शक्ति नगर के लोगों ने इस बात को मिलकर तय किया कि अटल जी को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो आज हमारे यहाँ महिलाएं, पुरुष, युवा साथी, बच्चे सब ने मिलकर एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी है और यही अटल जी ने जीवन में कमाया कि हर एक लोगों की भावनाएं, चाहे विदेश के लोग हों, चाहे देश के लोग हों, चाहे दूसरे दल के लोग हों, चाहे आम आदमी हो, गरीब हो, श्रमिक हो, हर एक वर्ग दुखी है और आज वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ऐसे समय में हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर भजन भी यहाँ पर गाए हैं और ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि अटल जी भले आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अटल जी का जो काम है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के बीच में रहेगा, उनकी प्रेरणा हम सबके बीच में रहेगी। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग अटल जी से प्रेरणा लेकर यदि उस दिशा में थोड़ा सा भी हम लोगों ने ईमानदारी के साथ में काम किया तो यही अटल जी के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।